द इक्वेशन ऑफ द कर्व हुज सब नॉर्मल इज कॉन्स्टेंट। तो अपने को क्या क्वेश्चन गिवन है, जो सब नॉर्मल है वो कॉन्स्टेंट है, तो अपने को इक्वेशन ऑफ कर्व बतानी है। तो अब अपने को सबसे पहले समझना होगा कि सब नॉर्मल होता क्या है किसी भी कर्व के लिए। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से डायग्राम बना के आपको सब नॉर्मल बता देता हूँ कि सब नॉर्मल क्या होता है। सब नॉर्मल होता है, इसके लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं कोई सा भी जनरल कर्व, रेंडम कर्व के लिए दिखाता हूँ कि सब नॉर्मल और नॉर्मल या फिर सब टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ये अपना क्या है, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है, ये अपना वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अपन ने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है और यहाँ पे अपना ये कोई कर्व सी है। लेट्स से ये कोई कर्व सी है, इसके पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट को मैं पी बोलता हूँ। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स होगा कोई एक्स कोमा वाई होगा। तो एक्स कोमा वाई पे अपन ने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ करा है। तो ये लाइन क्या है, ये तो टेंजेंट है। लेट्स से ये क्या है, ये अपना टेंजेंट है और ये क्या है, ये अपना नॉर्मल है। ठीक है, पॉइंट पी पे अपन ने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस को लेट से कहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट टी पे कट कर रहा है, और जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को लेट से अपन पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है एन पे। अब टेंजेंट सब नॉर्मल सब टेंजेंट क्या होता है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, तो लेट से अगर ये एक्स एक्सिस पे अपन ने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाली जो लेंथ होगी, इसको अगर मैं एक्स बोलूँ, ठीक है, इसको अगर x बोलूँ तो पी एक्स की लेंथ क्या होगी, ये तो y कोऑर्डिनेट्स की इक्वल होगी, जिसको मैं y बोल देता हूँ। ठीक है, तो एक्स एन की लेंथ जो होगी इसको अपन सब नॉर्मल बोलते हैं। अब एक्स एन की लेंथ अपन कैसे निकालेंगे, तो अगर ये टेंजेंट t है तो ये एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बनाती है, लेट से ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये एंगल अल्फा होगा और यहाँ पर ये क्या है, 90 है। अगर ये 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अब ये अंकल अल्फा आ गया और यहाँ पे ये भी क्या है, 90 है। तो एक्स एन जो होगा वो क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे टेन अल्फा लिखूँ, मैं टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे जो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप जो होगा, ये टेंजेंट का स्लोप है क्या, टेन अल्फा। एम जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसको अगर मैं लिखूँ तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एम को स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलता हूँ। तो एम इजकल्स टू टेन अल्फा होगा, और टेन अल्फा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। अब अगर मैं सब नॉर्मल की लेंथ बोलूँ, जो सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल अगर यहाँ से बोलूँ, तो सब नॉर्मल क्या होगा, सब नॉर्मल होगा एक्स एन। ये जो एक्स एन लेंथ है इसको अपन सब नॉर्मल बोलते हैं। तो अगर मैं एक्स एन को वाई के टर्म्स में निकालूँ, तो यहाँ पर अगर मैं, ठीक है, अब सब नॉर्मल के लिए मैं क्या लिखता हूँ, टेन अल्फा अगर लिखूँ किस ट्रायंगल में, अपन ट्रायंगल कंसिडर करते हैं पी एक्स एन में, अपन ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल पी एक्स एन में। अगर पी एक्स एन में मैं टेन अल्फा बोलूँ, तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा होगा एक्स एन अपॉन पी एक्स, एक्स एन अपॉन पी एक्स होगा टेन अल्फा, और एक्स एन को अपन क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल। तो ये एक्स एन आ गया सब नॉर्मल अपॉन पी एक्स की लेंथ क्या है, ये तो वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एक्स एन जो सब नॉर्मल की लेंथ है, इसको अगर मैं एस एन बोल दूँ सब नॉर्मल, तो ये क्या आ गया, एस एन इजकल्स टू एक्स एन इजकल्स टू वाई टेन अल्फा। टेन अल्फा मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, टेन अल्फा की वैल्यू अपन ने ऊपर बता रखा है, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू क्या आ गया, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। तो ये हो जाएगा जिस पॉइंट पे अपन नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जो भी स्लोप होगा उसको अपन वाई कोऑर्डिनेट्स अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो वो जो होगा वो वैल्यू होगा सब नॉर्मल का। अब क्वेश्चन क्या कि बना, इसकी वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अगर इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो इन्होंने क्या बताया है, इसको कांस्टेंट बताया है, तो लेट्स से अपन इसको कोई क्वांटिटी कांस्टेंट के से इक्वेट कर देते हैं। तो अपने पास लेट्स से ये कांस्टेंट क्वांटिटी के है। अब अगर अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, तो अपने पास कर्व को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, इसको अगर सॉल्व करें तो ये फाइनली अपने पास क्या आ गया, वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट की है। तो अब अपन इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, तो ये सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये आ जाएगा वाई इंटू डी वाई इजकल्स टू के डी एक्स। अब अपन क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, ये सेपरेट हो गया, तो इसको अगर अपन इंटीग्रेट करें, तो लेट से अपन इधर इंटीग्रेट कर देते, इधर इंटीग्रेट कर देते, अब वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे के तो क्या है, कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट है, तो के को अपन बाहर ले जाएंगे, और ये बचेगा, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से के बाहर, और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अपने पास ये कर्व आ गया। अब अगर अपन ऑप्शंस देखें, तो ऑप्शंस में क्या क्या करेक्ट आंसर है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगा फाइनली वाई स्क्वायर इजकल्स टू टू के एक्स प्लस टू सी। तो अब ऑप्शन देखिए, तो ये सिंपली
क्या है, वाई स्क्वायर इजिकल्स टू के एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट टाइम्स है। तो अगर अपन आंसर देखें तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 2ax + b। तो इन्होंने इसको इसको ए बता रखा, ठीक है, ये जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है इसको इन्होंने, अगर अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू को इन्होंने ए बता रखा है, तो अपन के की जगह पे ए यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट अपन कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन इसको ए एज्यूम करना था, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ये वैल्यू क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो इसको अगर अपन ए लिख दे, सिमिलरली यहाँ पे भी इसको अपन ए लिख दे, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन अपना कन्वर्ट होकर आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू को उन्होंने सी बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ए लिख दे अपन, ये ए, और इसको भी अपन ए लिख दे, और 2c को उन्होंने एक नया कॉन्स्टेंट क्या नाम दे दिया है, बी। तो 2c को एक नया कॉन्स्टेंट बी इजकल्स टू अपन यहाँ पे 2c लिख देते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, वाई स्क्वायर इजकल्स टू 2ax + b। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, वाई स्क्वायर इजकल्स टू 2ax + b। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट है, तो बी इज द राइट आंसर। तो अपने को सब नॉर्मल समझना था, और सब नॉर्मल की लेंथ जो भी होगी उसको अपन कॉन्स्टेंट पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था।